शहडोल जिले के जनपद भुड़ार के ग्राम पंचायत खमरोद सचिव का पैसा मांगने का ऑडियो कुछ दिन पूर्व ही वायरल हुआ था, जो क्षेत्र में खूब चर्चित रहा। सचिव के द्वारा पैसा अधिकारियों को देने की बात भी कही जा रही थी, जिसकी जानकारी जनपद सीईओ को दी गई, जिन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही दी। पर सचिव ने ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया है कि जांच कचरे के डिब्बे में डाल दी गई है। लगातार ग्राम पंचायत के घोटाले प्रशासन के सामने कई बार उजागर किए गए, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और कार्यवाही को ठंडे बस्ते में ही रख दिया गया। पहले भी सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत जरवाही में कार्य के नाम पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार किए गए थे, जिसके शिकायत पहले भी जनपद में की गई थी, पर कार्यवाही आज तक नहीं हुई। जरवाही सचिव ने ग्राम जरवाही में भ्रष्टाचार करने के बाद अपना ट्रांसफर ग्राम पंचायत खमरोद करवा लिया है और पूर्व की भांति फिर भ्रष्टाचार की लीला रचना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत जरवाही सचिव राम अवतार जोगी ने जरवाही के द्वारा खेल मैदान, शौचालय, नल जल योजना, कई ऐसे शासन के कार्य है जिसमें जांच कराई जाए तो सचिव राम अवतार के कई मामले उजागर होंगे। जरवाही पंचायत के कई मामलों की शिकायत पूर्व में जनपद पंचायत बुढ़ार के पूर्व सीईओ को दी गई थी, पर आज तक जांच नहीं हुई। आखिरकार जनपद पंचायत बुढ़ार के इंजीनियर व एसडीओ की मिली भगत से ही सचिव कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करता रहा। सचिव का ऑडियो वायरल होने के बाद जनपद पंचायत सीईओ ने मीडिया के सामने जांच कर कार्रवाई की बात कही थी, पर शायद जांच वही की वही रह गई। अब इस मामले की शिकायत नवागत सीईओ जिला पंचायत शहडोल को भी की जाएगी, ताकि सचिव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच करवा कर कार्रवाई की जाए। सर, लगातार पंचायतों के मामले उजागर हो रहे हैं, कई ग्राम पंचायतें जिसमें कई बार मामले उजागर हुए मगर जांच के नाम में खानापूर्ति अधिकारियों के द्वारा की गई। अभी एक नया मामला आया है जहां पर एक स्टूडेंट से 20,000 रुपये की मांग भी की जा रही है, और उसमें आपके सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि 20,000 दो, हम ऊपर के अधिकारियों को भी देते हैं। इस प्रकार से मामला सर सामने आया है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? सर, आपने मेरे पास भेजा था रिकॉर्डिंग, उसका परीक्षण कराएंगे कि वास्तव में वो किस तरह की रिकॉर्डिंग है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं है, क्या तथ्य है उसमें। जैसे ही तथ्य उसके समझ में आ जाते हैं कि वास्तविकता क्या है उसकी, तब फिर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह, कौन से ग्राम पंचायत से हैं? ग्राम जरवाही पटली टोला। पटली टोला, ये जो खेल ग्राउंड बनाया गया है ये कब बनाया गया है? ये करीब 1.5 साल पहले बनाया गया है। ये कौन बनवाया था? ये पंचायत के द्वारा। पंचायत के द्वारा, तो यहाँ क्या खेल ग्राउंड बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ खाली मिट्टी डाला गया है। हाँ। और यहाँ मंच वगैरह, ग्राउंड अच्छे से बाउंड्री वगैरह बनना था, पर वो काम नहीं हो, खाली मिट्टी हल्का हल्का डाल दिया, हो गया, छोड़ दिए। अच्छा, तो आप लोगों ने कहीं सरपंच सचिव को बताया कि हम मिट्टी बस क्यों डलवाया गया? जी जी, हमने कई बार उनको बोला है कि क्यों, तो उनका कहना है कि जमीन वाले रोक रहे हैं। अच्छा, ये पट्टाही में है। अच्छा, हमको ये जानना है कि यदि ये पट्टा में है तो यहाँ पर ग्राउंड बना क्यों है ना? और इसमें जो है लागत कितनी लगाई गई होगी? लगभग इसमें लागत वही 50,000 से 60,000 कुल, जो आज का जो रेट है जी, उस हिसाब से। और कितनी लागत की आई थी ये बाउंड्री वॉल? ये तो सर अब वही जानेंगे पंचायत के आदमी, क्योंकि हमको तो हर चीज बताता नहीं। तो ये काम अधूरा छोड़ दिया गया? जी जी, ये काम अधूरा छोड़ दिया गया है। खेल ग्राउंड नहीं बनाया गया? नहीं बना। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? कमलेश सिंह। क्या न्यूज के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।